हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे दितिमन। परमाणु ऊर्जा सेंट्रल स्कूल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहां टीजीटी और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है। टीजीटी में जो है थंबनेल में आप देख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सोशल साइंस और स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर वैकेंसी है, और साथ में प्राइमरी टीचर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में आप सबसे ऊपर देख सकते हो 24 जुलाई की एडवर्टीजमेंट जारी हुई है, जहां एडवर्टीजमेंट भी आपको यहीं पर मिलेगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोगों को यहां मिलेगा। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन करके हम देख लेते हैं। ये जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। तो ये इसका कंप्लीट जो है वो नोटिफिकेशन है, 24/7/2023 को रिलीज हुआ है ये, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद से ये आया है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एंगेजिंग टीचर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज पर पीरियड बेसिस, यानी या तो आपको पीरियड बेसिस पर भी लगाया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी लगाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप अच्छे से यहाँ पर देख लें, बीएड जो है यहाँ पर कंपल्सरी है, मांगा गया है टीजीटी के लिए, और पीआरटी के लिए आपका बीटीसी, डीलेड या एनटीटी। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने तीनों साल जो है वो ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत के लिए अप्लाई करते हैं तो तीनों साल आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आप मैथ या फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ आप देखिए 2 साल आपने पढ़ा होना चाहिए मैथमेटिक्स या फिजिक्स, ठीक है, ग्रेजुएशन में। उसके बाद देखें टीजीटी बायो में कहा है और केमिस्ट्री में कहा है कि आपने केमिस्ट्री और बॉटनी या जूलॉजी, यानी या तो आपने केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ा हो या आपने केमिस्ट्री या जूलॉजी पढ़ा हो ग्रेजुएशन में 2 साल, कम से कम 2 साल, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। बीएड जो है वो कंपलसरी है सभी में। सोशल साइंस के लिए यहाँ पर टीजीटी में कहा है कि आपने 2 साल जो है वो पढ़ा होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय के सारे नियम जो है यहाँ पर अपनाए गए हैं। ग्रेजुएशन में आपने 2 साल पढ़ा हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इन 4 में से आपने जो है 2 पढ़े होने चाहिए, जिसमें कंपलसरी है कि एक हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए। उसके बाद 8 नंबर पर है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर। तो इसके लिए जो यहाँ डिमांड की गई है, यहाँ पर 2 बार जो है वो आ गया है। यहाँ पर जो है एक तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन के साथ 50% अंकों के साथ होना चाहिए, या फिर और यानी या फिर इसके समकक्ष अगर आपने सीजीपीए किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नोट में लिखा है सभी के लिए कि द कैंडिडेट विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशल बीएड और डीएड और स्पेशल डीएड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक जो है एलिजिबल नहीं होंगे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्पेशल बीएड के साथ और डीएड और स्पेशल डीएड जो है यहाँ की हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्री प्राइमरी टीचर जो है वो 9 नंबर पर है, जिसमें 12th मांगा गया है, हायर सेकेंडरी मांगा गया है और डिप्लोमा आपका मांगा गया है नर्सरी टीचर एजुकेशन यानी एनटीटी, या आपने प्री स्कूल एजुकेशन किया हो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम डीलेड, डीईएल, सीएड किया हो, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर इसके समकक्ष भी अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, लेकिन 2 सालों से जो है वो कम नहीं होना चाहिए, जिसने बीएड नर्सरी में किया है तो भी यहाँ पर वो एलिजिबल हो जाता है। यहाँ पर इंग्लिश जो है वो आपकी 12th में होनी चाहिए ऐसा इन्होंने कहा है, और प्रोफिशिएंसी पढ़ाने का जो तरीका है वह आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा। हर पोस्ट के लिए पेमेंट और अपर एज लिमिट जो है वो क्या रहने वाली है, तो पीआरटी के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को 21,250 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, या फिर पर पीरियड अगर आप करते हैं तो आपको 170 रुपये हर पीरियड के मिलेंगे, और आप लोगों को एक दिन में 5 पीरियड जो है वो आप मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सैलरी जो है वो अगर देखेंगे मंथ में, अगर आपने 5 पीरियड लिए और हर पीरियड आपको 170 रुपीज मिलते हैं तो कम से कम जो है वो 25,000 जो है वो आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाती है। टीजीटी में यहाँ पर 26,250 पर मंथ मिलेंगे, और यहाँ टीजीटी में आपको हर पीरियड के लिए 210 रुपये मिलेंगे,
5 पीरियड जो है अगर आप मैक्सिमम यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर एज की बात करें तो पीआरटी में 40 साल है एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर सभी कैटेगरी को। टीजीटी में 45 ईयर एज एज रिलैक्सेशन। देखिए आप एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की है, वोमेन चाहे किसी भी कैटेगरी की हो उसको 10 साल की छूट यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। जैसे कि 40 साल अगर पीआरटी में है तो 50 साल तक की जो वोमेन है वह यहाँ पर एलिजिबल है। अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करती हैं तो वह 55 ईयर तक की जो है वुमेन यहाँ एलिजिबल हो जाती हैं। फिजिकली चैलेंज्ड जो हैं इनको एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर उम्र जो है उसकी बात हमने कर ली, वेतन की बात कर ली। कैसे सिलेक्शन होगा चलिए हम ये देख लेते हैं। आप लोगों का एक रिटर्न एग्जाम होगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। तो रिटर्न टेस्ट के लिए भी केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। द स्क्रीनिंग शैल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। एमसीक्यूज आपके 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 1.5 घंटे का जो है वो आपका यहाँ पर ये एमसीक्यूज टेस्ट होगा। कैंडिडेट स्कोरिंग, इस कैंडिडेट को जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50% मार्क्स जो है वो लेके आने हैं। बाकी जो अन्य कैटेगरी हैं एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड, ठीक है, ओबीसी, इनको 45% मार्क्स यहां पर लाने हैं। यदि आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो उसी दिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट विल बिकम एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। आपका जो है वो स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो है एक तरीके से डेमो लिया जाएगा। विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, उसी दिन होगा, यानी एक ही दिन आपका जो है रिटन टेस्ट होगा और उसी दिन आपका स्किल टेस्ट होगा। अब कैसे जो है वो एप्लीकेशन करेंगे आप, तो इसके लिए मैंने आपको बताया मेन वेबसाइट जो है उसी में एडवर्टीजमेंट है ऊपर, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा। इसको आपको कम्प्लीटली भरना है, फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ लगा लेनी है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो इंस्ट्रक्शन है इनको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह भरना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके साथ में बायोडाटा, उसमें एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब कुछ आपको उसमें फिल कर देना है। और साथ में एक सेट जो है आपका, जो कि आपकी मार्कशीट की फोटो कॉपी होगी, वो अटेस्टेड करनी है एप्लीकेशन के साथ में। अगर आपने साथ में नहीं लगाई, अगर आपने केवल एप्लीकेशन भेजा तो आप लोगों का फॉर्म जो है वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके की कोई फीस जो है वो यहाँ पर नहीं लग रही है। आपको कहाँ पर भेजना है ये, तो यहाँ पर एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 DAE कॉलोनी ECIL पोस्ट हैदराबाद 500062, ठीक है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। समय से पहले अगर आपका पहुंच जाता है तो वहाँ, और आपके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रहते हैं, आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल किया है, तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक है। 7 अगस्त तक जो है वो आप लोगों का जो फॉर्म है वह पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इस डेट को जो है वो आप ध्यान रखेंगे। सिंपल पोस्ट बिल्कुल ना करें ऐसे एप्लीकेशन के लिए, अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सिंपल पोस्ट बिल्कुल ना करें।